मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बैनगंगा नदी के उद्गम स्थल मुंडारा में उमड़े श्रद्धालु। सिवनी जिले की जीवनदायिनी है मां बैनगंगा नदी। मंदिरों में की पूजा पाठ, कुंड में लगाई डुबकी, अव्यवस्थाओं और गंदगी से नाखुश दिखे श्रद्धालु। बैनगंगा नदी के उद्गम स्थल मुंडारा को विकसित करने की उठी मांग। जिम्मेदारों पर उदासीनता और उपेक्षा का लगाया आरोप। सिवनी जिले की जीवनदायिनी बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल सिवनी शहर से 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 44 पर स्थित गोपालगंज से महज 6 किलोमीटर दूर है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने यहां स्थित मंदिरों में पूजा पाठ की और कुंड में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति में यहां पर मेले का भी आयोजन होता है, लेकिन यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु शासन प्रशासन की उदासीनता और इस महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल की उपेक्षा किए जाने से नाराज दिखे। अक्सर यहाँ लोगों को व्याप्त अवस्थाओं और गंदगी से शिकायत रहती है। श्रद्धालुओं की मांग है कि मुंडारा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए यहां विकास कार्य कराए जाए। श्रद्धालुओं की मांग है कि बैनगंगा नदी के उद्गम स्थल मुंडारा को नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक की तर्ज पर विकसित, व्यवस्थित और साफ स्वच्छ किया जाए। आरती तिवारी। हाँ, यहाँ पर बैनगंगा का उद्गम स्थल है, यहाँ से बैनगंगा जी निकली है, पर वो सफाई नहीं है, गंदगी है, कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, टॉयलेट वगैरह सब गंदी है, कुछ भी नहीं है, महिलाओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, और पानी भी यहाँ कुंड वगैरह सब बहुत गंदा है, जहाँ भी कचरा फेंका हुआ डला हुआ है। जैसा कि अमरकंटक में साफ़ सफाई है, मंदिर एकदम साफ़ सुथरा है, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। किस तरीके की व्यवस्था यहाँ होना चाहिए आपके साथ? साफ़ सफाई होना चाहिए, मंदिर है तो शुद्ध होना चाहिए, सब गंदगी पड़ी हुई है, सब हर कुंड भी बहुत गंदा है, और भीड़ भाड़ के हिसाब से व्यवस्थाएँ कुछ भी नहीं है, टॉयलेट वगैरह सब गंदी है, महिलाओं के जाने के लिए टॉयलेट में सब गंदगी पड़ी है, कुछ पानी वानी कुछ व्यवस्था नहीं है। मेरा नाम लोकेश सनोडिया है, मैं सिवनी ज़िले का रहने वाला हूँ। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पे बैनगंगा नदी के उद्गम स्थल पर आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई साफ़ सफाई जैसे कोई चीज़ दिख नहीं रही है। हर कुंड में मतलब पूरी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे शासन प्रशासन का कोई भी मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई का कोई अभियान नहीं चला गया है। कुछ दिन पहले मैं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पे गया था अमरकंटक में, तो वहाँ पर की साफ सफाई जो थी वहाँ पे देखने लायक थी, मतलब हर कुछ साफ़ सुथरा, वहाँ पे नहाने के लिए अलग कुंड और उद्गम स्थल को पूरा सिक्योर करके वहाँ पे साफ़ सफाई किया गया। लेकिन यहाँ पे बैनगंगा नदी जो है वो सिवनी ज़िले की जीवनदायिनी नदी है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई साफ़ सफाई का अभियान नहीं चलाया गया है और यहाँ पे पूरे कुंडों में गंदगी फैलाई गई है, तो ये मुझे देख के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मनीष तिवारी। देखिए, यहाँ पे आके सच कहूँ तो मुझे दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अमरकंटक में या आप किसी और ताप्ती नदी का देखिए बैतूल में, जिस तरीके से वहाँ डेवलप किया गया है, यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। बैनगंगा नदी के कुंड में गंदगी पड़ी हुई है, लोग आते हैं कि नहाने के लिए अलग कुंड बनना था, पानी के लिए अलग बनना था। यहाँ हर साल मेले लगते हैं, सब होते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको लोगों के रहने के लिए, निस्तार वगैरह के लिए, कि वो यहाँ आए तो घंटे दो घंटे रुक सकें, इस तरीके के होना चाहिए। आज तो खैर यहाँ मेला है मकर संक्रांति का, इसलिए अच्छी खासी भीड़ है। साफ़ सफाई की किस तरीके की व्यवस्था है? साफ़ सफाई तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। स्थानीय निकाय को यहाँ सफाई वफाई पर ध्यान देना चाहिए, पर कहीं कुछ भी नहीं दिखता। आप खुद ही देख रहे होंगे, मंदिरों की स्थिति जर्जर हो रही है, कुंड में गंदगी है,